युगपथ समीकरण इन उदाहरणों में हमने परिस्थितियों से समीकरण तो बना लिए लेकिन उनके हल नहीं बता पाए अब हम निम्नलिखित परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं एक पिता ने अपने दो पुत्रों सौरभ और संतोष में आठ रुपये बांटे क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने कितने रुपए मिले यदि सौरभ को x व संतोष को y रुपए मिले हों तब इसका समीकरण निम्नलिखित होगा x धन y बराबर आठ समीकरण एक समीकरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जब सौरभ को एक रुपए तब संतोष को सात रुपए जब सौरभ को दो रुपए तब संतोष को छह रुपए और इसी प्रकार आगे सोचने पर हम देखते हैं कि जब सौरभ को सात रुपए तो संतोष को एक रुपए मिले होंगे सौरभ व संतोष को आठ को बांटने के संभव तरीकों को नीचे दी गई सारणी के रूप में लिख सकते हैं रुपए सौरभ को एक रुपये संतोष को सात रुपये जब सौरभ को दो रुपये तो संतोष को छह रुपये सौरभ को तीन रुपये तब संतोष को पांच रुपये सौरभ को चार रुपये तब संतोष को चार रुपये सौरभ को पांच रुपये तब संतोष को तीन रुपये सौरभ को छह रुपये तब संतोष को दो रुपए और सौरभ को सात रुपए तब संतोष को एक रुपए आपने देखा कि हम यह नहीं बता पाए कि वास्तव में सौरभ व संतोष को कितने रुपए मिले लेकिन अब यदि हमें पता हो कि पिता ने सौरभ को संतोष के तीन गुने रुपए दिए हो तब इसे निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखेंगे x बराबर तीन वाई समीकरण दो समीकरण एक में x एक बराबर तीन रखने पर हमें एक चर का निम्नलिखित समीकरण मिलता है तीन वाई धन वाई बराबर आठ यानी कि चार वाई बराबर आठ तो वाई बराबर आठ बटे चार इसलिए वाई बराबर दो वाई का मान समीकरण दो में रखने पर एक्स बराबर तीन वाई तब एक्स बराबर तीन गुणित दो जिससे मिलेगा एक्स बराबर छ यानी संतोष को दो रुपए और सौरभ को संतोष का तीन गुना यानी कि छह रुपए मिले इसी प्रकार उदाहरण तीन में हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 180 होने पर हमारा समीकरण बना था 4x धन दो वाई बराबर एक समीकरण एक और अब हिरणों की आंखों की संख्या धन सारस के आंखों की संख्या बराबर 120 अतः 2x एक्स धन 2Y 120, दो वाई बराबर एक समीकरण दो चूंकि हिरण की दो आंखें और सारस की दो आंखें समीकरण दो से दो वाय बराबर एक सौ बीस ऋण दो एक्स इस मान को समीकरण एक में रखने पर चार एक्स धन एक सौ बीस ऋण दो एक्स बराबर एक सौ अस्सी जिससे मिलेगा दो एक्स बराबर साठ हल करने पर x बराबर साठ बटे दो यानी कि x बराबर तीस x अर्थात हिरणों की संख्या 30 है x के इस मान को समीकरण एक में रखने पर चार गुणित तीस धन दो बराबर एक सौ अस्सी यानी कि एक सौ बीस धन दो वाई बराबर एक सौ अस्सी दो बराबर एक सौ अस्सी ऋण एक सौ बीस जिससे मिलेगा दो वाई बराबर साठ या कह सकते हैं वाई बराबर साठ बटे दो हल करने पर मिला वाई बराबर तीस वाय अर्थात सारस पक्षियों की संख्या भी तीस है इन उदाहरणों में हमने देखा कि परिस्थितियों को लेकर दो चरों का जब एक ही समीकरण बना तब हम प्रश्न का जवाब देने में अनुमान लगाए लेकिन जैसे ही दूसरी परिस्थिति पर दूसरा समीकरण बना तब हम सटीक और निश्चित जवाब दे पाए सोचें एवं चर्चा करें क्या निम्नलिखित परिस्थितियों से बने समीकरणों से जवाब मिल सकते हैं यदि नहीं तो क्यों नहीं पहला किसी समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण का चार बटे पांच गुना है कोणों के माप पता करें दूसरा एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या पंद्रह है यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग छत्तीस है तब मैना व कोयलों की संख्या बताइए तीसरा एक टोकरी में सेब और आम की कुल संख्या उनचालीस है यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं तब दूसरी टोकरी में कितने आम रखे हैं